हाय एवरीवन वेलकम बैक टू इन फर्चर सो आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी स्पेशल है इस वीडियो में हम टाइपिंग के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे फाइव बेसिक स्टेप्स जो कि आप टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले या जब आप इस प्रोसेस को सीखोगे उससे पहले ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए देन uh, uh, हम डिस्कस करेंगे कि आप टाइपिंग कहाँ से सीख सकते हैं उसके बाद इसका यूज़ कहाँ है बेसिकली एंड फर्दर लास्ट में हम बात करेंगे टिप्स uh, के बारे में तो मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगी जिससे आप अपने टाइपिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं ओके okay, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इसेंशियल uh, स्किल्स होते हैं बेसिक स्किल्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर होने चाहिए उस स्किल्स को आप सीख सकते हैं बट एक टाइम होता है अगर आप उस टाइम में सीख लेते हो तो फर्दर आने वाले समय में वो चीज़ आपको बहुत काम आती है तो अगर आप टेंथ स्टैंडर्ड में हो नाइन्थ में हो या फिर आप अभी स्कूल में हो ठीक है किसी भी एज में हो स्कूल में हो तो आपको ये टाइपिंग आनी ही चाहिए ठीक है मैं आई थिंक नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड में टाइपिंग सीख चुकी थी ठीक है उसके बाद फर्दर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करती थी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी ठीक है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्कूल स्टूडेंट्स के ताकि वो अपने उस टाइम पे इस टाइपिंग को सीख सके अभी तो लॉकडाउन है या फिर अभी स्कूल कॉलेज सब बंद है तो अभी आपके पास बहुत टाइम है इन बेसिक स्किल्स को सीखने के लिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो अब तक हम लोग सिर्फ आ, इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते थे टाइपिंग के लिए और उसमें भी हमें कीबोर्ड को देखना पड़ता था लेकिन आ, टच टाइपिंग मेथड को करने के बाद एक प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद आपकी स्पीड तो होगी ही और आपको कीबोर्ड को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सो so, क्या प्रोसेस है क्या स्टेप्स है चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्लेस योर फिंगर्स इन होम पोजिशन तो इसमें क्या करना है बेसिकली आपका जो कीबोर्ड है उसमें जो मिडल रो है उसकी प्रैक्टिस सबसे पहले आपको करनी है तो सबसे पहले जो आपकी ये आर्ट फिंगर्स है इस एट फिंगर्स को प्लेस करना है मिडल रो में जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ठीक है और ये आपकी होम पोजीशन है ठीक है रेस्ट पोजीशन है जिसमें कोई भी आप लेटर्स टाइप कर रहे हो कोई भी कीबोर्ड का कोई भी पार्ट आप टाइप कर रहे हो टाइप करने के बाद आप वापस उसी पोजीशन पे आते हो ठीक है तो ये आपका रेस्ट पोजीशन है या फिर कह सकते हैं होम पोजीशन है नेक्स्ट स्टेप पे टाइप ईच की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो so, अब क्या करना है बेसिकली आपने ऑलरेडी अपने फिंगर्स को मिडल रो पे प्लेस कर दिया है और अब आपको टाइप करना है जब आप टाइपिंग सीखोगे किसी न किसी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कराया जाएगा ठीक है हर एक लेटर की प्रैक्टिस कराई जाती है हर एक सिंपल की प्रैक्टिस कराई जाती है ठीक है तो इसमें क्या करना है जब आप होम पोजीशन पे आप अपने आ, फिंगर्स को प्लेस करोगे तो लेफ्ट टू राइट आपको हर एक लेटर्स की टाइप करना है ठीक है मतलब प्रैक्टिस करना है आपको तो मैं आपको बताऊंगी जो एप्लीकेशन आपको यूज करना है उसके थ्रू आप कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है रिपीट बट दिस टाइम कैपिटलाइज सो अब क्या करना है आपको बेसिकली अब इस टाइम पहले तो आप स्मॉल लेटर्स को टाइप करते थे ठीक है बट अब आपको कैपिटल लेटर्स uh, को टाइप करना है बट इसके लिए आपको कैप्स लॉक ऑन नहीं करना है इसमें आपको शिफ्ट uh, प्लस जो भी लेटर आप टाइप uh, कर रहे हो उसे टाइप करना है तो uh, इसमें करना क्या है अगर आपको लेफ्ट uh, हैंड के लेटर्स को कैपिटल करना है तो राइट right हैंड के फिंगर्स का यूज़ uh, करके आप शिफ्ट क्लिक करोगे इसके लिए आपका पिंकि फिंगर यूज़ होता है राइट right? तो इसी तरीके से अगर आपका राइट uh, फिंगर right का कोई लेटर uh, है जिसे आपको कैपिटल करना है तो उसके लिए आपको uh, लेफ्ट फिंगर का शिफ्ट बटन क्लिक करना है ठीक है तो इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर्स को टाइप करना है नेक्स्ट स्टेप है बिकम फैमिलियर विद रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स सो अब आपको बाकी जो अल्फ़ाबेट्स है न्यूमेरिकल्स uh, है या फिर uh, जो सिम्बल्स है उससे आपको फेमिलियर होना है तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन जब आप यूज़ uh, करोगे टाइपिंग के लिए तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा और अपर uh, जो कीबोर्ड का अपर साइड हो और जो लोअर साइड है uh, वो सारे लेटर्स को किस तरीके से और किस फिंगर से यूज़ यूँगर करना है ये सारी चीज़ें आपको uh, उन वेबसाइट्स या एप्लीकेशन में सिखाया जाता है स्टार्टिंग डेज में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है आप स्लो टाइप कर सकते हैं बट वो आपकी स्टार्टिंग डेज होती है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप कंफर्टेबल होते जाओगे uh, सारे ही लेटर्स से और चीज़ें आपको याद भी करनी होती है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें याद होगी और फिर एक टाइम के बाद आप कंप्लीट कीबोर्ड को बिना दे के टाइप कर पाएंगे ठीक है तो प्रैक्टिस के बाद ही होगा और फाइनल जो स्टेप है वो है टाइप योर सेंटेंसेस अब आपको सेंटेंस फॉर्म करना है ठीक है सेंटेंस को टाइप करना है और इस टाइम क्या करना है बेसिकली जब आप सेंटेंस को प्रैक्टिस uh, करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम इज़ एम आर वॉज वर दिस दैट दोज इस टाइप के वर्ड्स आप मैक्सिमम यूज़ करते हैं लेकिन इससे होता क्या है कि आपके जो बाकी लेटर्स है लाइक यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस टाइप के जो लेटर्स है इसका बहुत कम आप यूज़ कर पाते हैं तो नॉर्मली आप तो स्टार्टिंग में जब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसे कीजिए बट एक टाइम के बाद आपको ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपका एक्स वाई जेड टाइप के जो वर्ड्स बनते हैं उस टाइप के सेंटेंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है ताकि जो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के जो लेटर्स हैं इन लेटर्स की भी प्रैक्टिस आप इक्वली कर पाए अब बात करते हैं कि टाइपिंग आपको सीखनी कहाँ से सो so बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया था तो मैं टाइपिंग मास्टर यूज़ करती थी आई uh, थिंक मैं टेंथ में थी तब तो uh, मैंने टाइपिंग मास्टर से ही अपनी कंप्लीट टाइपिंग सीखी है अगर आप टाइपिंग मास्टर से सीखना चाहते हैं तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड uh, अभी uh, वो पेड वर्जन है लेकिन स्टिल आप क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपसे क्रैक वर्जन डाउनलोड नहीं होता है स्टिल आप जो पेड वर्जन है उसे भी आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें आपको सेवन डेज़ का ट्रायल मिलता है और उन सेवन डेज़ में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं बहुत अलग अलग तरीके से आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है ठीक है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है आप स्टार्ट करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि यह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपकी जो इमेज है बाकी लोगों के सामने वो काफ़ी अच्छी होगी ठीक है तो अलग अलग स्किल्स हैं जो होनी चाहिए सो so, आप टाइपिंग मास्टर यूज कर सकते हो या फिर बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव वेबसाइट्स भी है जिसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हैं जैसे आपका है टाइपिंग क्लब डॉट कॉम टाइपिंग डॉट कॉम या फिर टाइपिंग रेसर ठीक है थीके? तो ऐसे तमाम वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे जो फ्री में आपको टाइपिंग सिखाते हैं ठीक है ओके अब बात करते हैं कि आपकी टाइपिंग कहाँ कहाँ काम आने वाली है कहाँ कहाँ कहा यूज़ हो सकता है देखिए जो लोग एस एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि टाइपिंग उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ठीक है और बहुत सारे से प्राइवेट एंड पार्ट टाइम जॉब है वहाँ पे भी आपका टाइपिंग बहुत काम आता है अगर आप एक कंटेंट राइटर हो तो वहाँ पे भी आपकी टाइपिंग बहुत काम आती है बहुत कम समय में आप टाइपिंग कर सकते हैं तो वहाँ पे आप अपना टाइम बहुत सेव कर रहे हैं और या अगर आप ट्रांसलेटर की जॉब कर रहे हो आप डेटा एंट्री की जॉब कर रहे हो या फिर आप ट्रांसक्रिप्शन की जॉब कर रहे हो ठीक है उन सभी में टाइपिंग बहुत यूज़ होता है सो आई थिंक ये हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए फाइनली बात करते हैं टिप्स की फर्स्ट टिप है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस एक्यूरेसी पे करना है uh, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी एक्यूरेसी होना चाहिए क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पीड पे ज़्यादा फोकस करते हैं एक्यूरेसी को निगलेक्ट कर देते हैं एंड इससे होता क्या है मैक्सिमम टाइम्स वो गलत टाइप करते हैं और उसी चीज़ को बार बार टाइप करने पर उसकी स्पीड डाउन हो जाती है ठीक है तो ये चीज़ आपको नहीं करना है आपका अगर एक्यूरेसी हंड्रेड परसेंट है तो आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी बाय प्रैक्टिस ओके सेकेंड टिप है लर्न सम कीबोर्ड शॉर्टकट शॉर्टकट्स सो आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स याद होना चाहिए जैसे कॉपी पेस्ट रीडू अनडू रिफ्रेश इस टाइप के जो शॉर्टकट की होते हैं वो आपको लर्न करने हैं जिससे आपकी स्पीड और इंक्रीज़ करेगी राइट ओके नेक्स्ट जो टिप है वो है आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना है एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना है और इसमें भी आपको सिंबल्स एंड नंबर्स को इंक्लूड करना है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटर्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिम्बल्स uh, एंड uh, जो नंबर्स है उसे आप स्किप कर रहे हो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं नंबर्स uh, एंड uh, जो सिम्बल्स हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको ये नहीं करना है आपको सारे ही चीज़ की प्रैक्टिस करनी है जब भी आप प्रैक्टिस करो तो ये ध्यान रखिए कि आपकी जो लेस यूज लेटर्स है उन्हें आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और जो आपके नंबर्स एंड सिंबल्स है उसे आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए ओके फाइनल okay? जो टिप है वो है आपके पोजीशन एंड पोस्चर को लेके तो जब भी आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं मेक श्योर की आपकी जो हैंड पोजीशन है वो राइट right एंगल पे होना चाहिए यानी कि आप ऐसे कंफर्ट uh, जोन में होने चाहिए कि आपकी जो कीबोर्ड है आपके हैंड के एकदम इक्वल हो ठीक है तो एक राइट पोजिशन जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं इस पोजिशन में अगर आप टाइप करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस के बाद इंक्रीज़ करेगी ठीक है सो ये कुछ ऐसे टिप्स है जो रेगुलरली आपको फॉलो करने हैं जिससे आप अपने स्पीड को और इम्प्रूव कर सकते हैं एंड uh, इस चैनल पे ऐसे uh, ही स्किल रिलेटेड वीडियोस आएंगी और ऑलरेडी करियर रिगार्डिंग वीडियोस आती है लाइक एग्जाम कॉलेजेस कोर्सेज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स से रिलेटेड या पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड तो उन सभी को एक्सेस करने के लिए आप इस चैनल के प्ले को चेक कर सकते हैं हर चीज़ कैटेगराइज किया गया है ठीक है बहुत ईजीली आप एक्सेस कर सकते हैं डेफिनेटली आप इस चैनल को गो थ्रू कीजिए और चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच एंड टेक केयर